दोस्तों, बीजेपी ने ऐसी राजनीतिक चाल चल दी है जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से फंस गई है। कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है कि जिस पिच को कांग्रेस ने खुद के लिए तैयार किया था 2024 से पहले, उसी पिच पर बीजेपी चौके छक्के लगा रही है। कांग्रेस को लग रहा था कि जातिगत सर्वेक्षण का मुद्दा बनाकर वह लोकसभा 2024 का भंवर पार करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी की राजनीतिक दूरदर्शिता की सुनामी के आगे पूरी कांग्रेस धराशाही होती दिख रही है। कांग्रेस इतने दिनों से पूछ रही थी कि आखिर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रही है, लेकिन जब कर दिया तो उन्हें मिर्ची लगने लगी कि क्यों कर दिया। बीजेपी की राजनीतिक चाल देखकर कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। कांग्रेस को लग रहा था कि वो जातिगत सर्वेक्षण की बात करके पिछड़ी जातियों को अपने साथ साध पाएगी, लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस की सारी राजनीति फेल हो गई है। क्या खबर है बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री चुना है। बीजेपी ने मोहन यादव को कुर्सी सौंप कर लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी कार्ड खेल दिया है। बीजेपी ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जातिगत सर्वे और ओबीसी समुदाय की शासन प्रशासन में भागीदारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। हालांकि मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनना कांग्रेस को रास नहीं आया है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मोहन यादव पर कांग्रेस ने वार किया है और उन पर कई गंभीर आरोप होने की बात कही है। एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मोहन यादव से मिलकर उन्हें बधाई दी, तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया से नए सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि चुनाव परिणाम के 8 दिन बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चुना भी, तो एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर उज्जैन मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर हेरफेर करने समेत कई गंभीर आरोप हैं। जयराम रमेश ने एक अखबार की रिपोर्ट को साझा करते हुए लिखा, सिंहस्थ के लिए रिजर्व 872 एकड़ जमीनों में से उनकी जमीन को लैंड यूज बदल कर अलग किया गया। इनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें ये गाली देते, धमकी देते और आपत्तिजनक बयान देते हुए दिख रहे हैं। क्या ये है मध्य प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी? जयराम रमेश के अलावा कांग्रेस के दूसरे नेता भी मोहन यादव पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी का निशाना एकदम सही जगह पर लगा है। पीएम मोदी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर एक बार फिर विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। राहुल गांधी इन दिनों ओबीसी की राजनीति खूब कर रहे हैं, ऐसे में अब राहुल गांधी के लिए भी ओबीसी पर बोलना मुश्किल हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अलावा यूपी, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी विपक्ष को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के सदस्य रहे यादव को बीजेपी विधायक दल ने केंद्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में अपना नेता चुना। मोहन यादव के चुनाव ने सियासी पंडितों को भी चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।